देखिए वीडियो तो मैंने नहीं देखा, पर आज के जो अखबार में खबर छपी है उसमें देखा मैंने, उसमें कुत्तों का फोटो भी दिखाया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि शासन की जो मंशा है उसके मंशा के अनुसार हमारे यहाँ रैन बसेरे बनाए गए हैं, रैन बसेरों में व्यवस्था की जा रही है और उसमें बाकायदा उनको कंबल, भोजन और चाय वगैरह का इंतजाम मेरा अलग से किया जा रहा है। ऐसे लावारिस मरीज भी मेरे यहाँ आ रहे हैं जो कि मरीज़ नहीं हैं, लावारिस हैं, लेकिन उनके लिए मैंने व्यवस्था कर रखी है कि उनको मैंने बिस्तर दे रखे हैं और शासन से भी मैंने कह रखा है कि आपको शहर में किसी कोने पे कोई लावारिस मिले आप मेरा अस्पताल उसके लिए मौजूद है, आप लाइए उनको खाना भोजन मैं दूंगा। लेकिन जो ये खबर छपी है इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि मैंने मेट्रन से और अपने कब्जा से पूछताछ की, आज मैंने गहन राउंड लिया है रैन बसेरे में, गया मुझे कोई कुत्ता तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर जानकारी मुझे ये मिली कि वहाँ 5 लावारिस जो कि मरीज़ नहीं है, कई महीनों से लावारिस लोग हैं जो अस्पताल में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि कल वो वहाँ पर थे और वहाँ पर जब बहुत तेज़ बरसात कल आई, कल 8 तारीख थी, बहुत तेज़ शीतलहर भी चली थी, बरसात आंधी तूफान भी आया, उसमें कुछ कुत्ते, उनका कहना यह कि एक आध कुत्ता आ गया था जो कि बिस्तर पर आ गया था, जिसको कि हमारे कर्मचारियों द्वारा तुरंत हटा दिया गया। तो मैंने फौरन उसकी जाँच बिठाई है कि कर्मचारियों के होते हुए, होमगार्ड के होते हुए कुत्ते बिस्तर पर क्यों आ गए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब मैं राउंड लिया तो जो अलाव जले थे, जो शासन द्वारा, जिला, हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, डीएम साहब द्वारा जगह जगह जो निरीक्षण किया जा रहा है अलावों का, जो अलाव जल रहे थे उस अलाव के पास भी कुत्ते बैठे मिले। तो फिर मैंने लोग जांच की इसकी कुत्ते के बैठे हुए हैं, तो लोगों ने बताया कर्मचारियों को हम उनको भगा देते हैं, लेकिन मरीज के रिश्तेदार वहाँ पे खाना डाल देते हैं, कुत्ते फिर आते हैं, फिर भगाते हैं, फिर आते हैं। ये एक ऐसी नियति है कि इतनी भयंकर कड़ाके ठंड में देखिए जीव तो जीव है, इंसान भी है और जानवर भी है, हमें उनको भी देखना है, उनको भी देखना है, पर अस्पताल में जानवरों की जगह नहीं है। लेकिन आते हैं तो मैं उनको हटाता हूँ, और मैंने अपने सामने अपने खुद ही उनको हटाया, लेकिन फिर आते हैं। तो मैंने लोगों से कहा है, होमगार्ड से, कर्मचारियों से, कि ध्यान रखिए प्राथमिकता के आधार पर बिस्तर पर तो कुत्ते नहीं रहेंगे, बिस्तर जो कुत्ते आते हैं तो उनको बाहर किया जाए और उनके लिए